بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم हम अल्लाह रबुल्ज़त का शिक्र अदा करते हैं कि जिसने रमदानमबारक के बाबरकत महीने के अंदर हमें इस घंटे में अल्लाह की किताब के साथ अल्लाह के कलाम के साथ कुछ वक्त गुजारने की तोहफ़ी अता फरमाई और लाखों करोड़ों दुरुदोसमज़ूर आल सात सलाम की ताकदस पर कि जिनकी वजह से हमें हिदायत नसीब हुई और हम उम्मत महमद के अंदर शुमार हुए अजीज़ा ने मुहतरम आज के दरस में इन चौथा पारा इसके बुनियादी मजामीन उसके ऊपर बात होगी इसमें आज के दर्स के अंदर सूर्य बकर इमरान का जो बकिया हिस्सा है वो और सूर्य नसा का कुछ हिस्सा इन शह आज के दरस में हम आपके सामने बयान करेंगे तो सूर्य इमरान की आयत कल की आयात के अंदर हुई उनके जो अकायद हैं ख़ासतौर पर अकीद तसलीस है उस हवाले से अल्लाह ताली ने उसका इबाल फरमाया और उसके मुकाबले में अल्लाह तज़रत साल सलाम की पैदाइश और उनके मोजादाद के हवाले से और उनके रूहुल्ला और क़लीमतुल्ला का जो मफहम है उसको बड़े अंदाज़ में बयान फरमाया तो आज की जो सूरा आमरान की बखी आयात हैं इन आयात में अल्लाह ताली ने उम्मत मुस्तमा से ख़िताब किया और बतौर ख़ास इसमें गजवाद का जिक्र बड़ा तफसी के साथ आएगा उस पर इन शब बात करेंगे तो जो आज की आयात है उन में तौर पर हज की जो फर्जीयत है बैतुल्ला की तमीर बैतुल्ला अल्लाह का सबसे पहला घर तामीर हुआ उस हवाले से और उसके बाद एक बहुत अहम हिदायत अल्लाह ताली ने मुसलमानों को उनके बाहमी इतिहाद और इतफ़ाक़ और तफरीक से बचने की हिदायत की है उस पर आयात आएंगी फिर अल्लाह ताली ने इस उम्मत को खैर उम्मत बनाया उस पर बात होगी और उसके बाद अहल किताब के अंदर जो अब खैर हैं जो नेक लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जो साफ जहन रखते हैं उनकी तारीफ़ और तोसीफ़ अल्लाह ने इन आयात के अंदर की है तो उनके हवाले से भी चंद हिदायात इन आयात में आएँगी उसके बाद आयत नंबर एक सौ इक्कीस से लेकर आयत नंबर एक सौ अस्सी तक तकरीबन ये सूरा इमरान का जो दूसरा नसफ़ है इसका अक्सर हिस्सा गजवा अहद के तबसरे पर मुश्तमिल है जिसके ज़िमन में मुनाफिकीन का जो रवैया है उस पर बात होगी कि मुनाफिकीन जो इब्तदा में हज़ूर हसातम के साथ जंगद में शर्क हुए लेकिन फिर रस्ते से वापस आ गए और अहल ईमान की सफ़ात का अल्लाह ने जिक्र किया कि जो हर मौके पर रसूल सल्ला वम के साथ खड़े रहेत कदम रहे और कभी उन्होंने पीछे मुड़ कर यह आपसपाई इख्तियार नहीं की बल्कि सख्ती के हालात के अंदर भी हजूर आल सात वाम के साथ खड़े ईमान की सिफात अल्लाह ने यहाँ पर बयान फ़रमाई है और हज़ू आलात वसलाब का जो मनसब है आपका जो मकाम और मरतबा है और आपकी जो हैसियत है वमा महमदा रसूल से लेकर आगे की चंद आयात जो इस हवाले से आएंगी फिर मुसलमानों की तरबियत के लिए मैदान उहद में जो सख्त लम्हात आए हैं एक वक्त जब मुसलमानों के दरमियान ये अफवाह फैलाई गई कि नावज़ुबिल्ला हुजूर अल जो है उनको कत्ल कर दिया गया है तो उस मौके पर जो कैफियत थी मुसलमानों की और जो जज्बात थे उस हवाले से और इसी तरह जो शहादतें हुई गजवा के अंदर उस हवाले से जो तकलीफ़ें और मसाइ बर्दाश्त किए मुसलमानों ने तो इस सब के ऊपर अल्लाह ताला ने एक तफसीली हिदायत नामा जो है वो जारी फरमाया है फिर अल्लाह ताला ने अमीर की जो सिफ़ात है और अमीर के हुकम की जो इताद की अहमियत है उस हवाले से चंदायात नाजिल फरमाई और जो उहद के मैदान में शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी शहादत का मकाम और मरतबा बयान फरमाया कि अल्लाह ने कितना अजीम मरतबा उन लोगों को अता फरमाया कि जो उसके रस्ते के अंदर अपनी जान उसके हवाले करते हैं इसके बाद फिर एक अख्तितामी हिस्सा है सूरत का जैसा कि हर सूरत में एक इब्तदाई तमहिदी गुफ्तु होती है और एक अख्तामी गुफ्तु होती है तो जो सूरत का आखिरी रुकू है वह इसकी अख्तितामी तकरीर है जिसमें चंदवाओं का जिक्र है और उसके बाद आज के हमारे दरस में सूर्य नसा के कुछ मजामी के ऊपर बात होगी जिनमें मजमु तौर तो पर जो हौसले माशरत है यानी एक माशरे के अंदर अच्छा और एक मिसाली ताल्लुक लोगों के दरम्यान और ख़ासतौर पर मियाँ और बीबी जो घर है जो एक ख़ानदान और एक बुनियादी हैसियत है किसी भी माशरे के अंदर एक इकाई है उसके ऊपर बात होगी फिर वरासत के अहकाम है और महरम रिश्ते हैं कि जिनके साथ कोई इंसान निकाह नहीं कर सकता तो ये आज की आयात के अहम मजामी जिनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे सबसे पहले हज की फर्जीयत अल्लाह तब्तदाई आयात के अंदर आयात नाजिल फरमाई सूर्ा आमरान की ابتدائی चौथे باريك الله ابتدائی आयत الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اول بيت وضع للناس للذي ب بكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم الله نے یہ हमें बताई कि असल में अल्लाह का जो पहला घर दुनिया में तामीर हुआ वो घर है कि जो मक्का के अंदर तामीर हुआ जिसे हम बैतुल्ला कहते हैं ये पहला घर है दुनिया में जो तामीर किया गया इस आयत की रूह से इसीलिए बहुत से सेल्मा ने ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी है तफसीर के अंदर कि दरअसल हज़रत आदम आसमाम जिनको दुनिया के अंदर भेजा गया तो वो रूए ज़मीन के किसी और हिस्से पर नहीं बल्कि मक्का मुकरमा के अंदर ही भेजे गए थे और उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का घर तामीर किया था एज़रत इब्राहीम जो थे जिन्होंने इस घर को उसकी बुनियादों पर उठाया तो बुनियादें वही थीं कि जो आदम नेतामीर की थी या जिनके ऊपर इस घर को खड़ा किया था तो वो वक्त वक्त गुजरने के साथ मरूर ज़माना के साथ वह तमीर ख़त्म हुई तो दोबारा से इब्राहीम ने अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई के बाद उन्हीं बुनियादों पर इस घर को फिर से उठाया था तो पहली तामीर हज़रत आदम आसम के ज़माने में हुई और ये पहला कबला था पहला अल्लाह का घर था जो अल्लाह ने तामीर किया उसके बाद हज़रत सुलेमान के दौर में जब बैतुलमकदस तमीर हुआ और बैतुलस बतौर कबला जो है उसके बाद उसका तयन जो है वो उसकी तमीर के बाद यानी बतौर कबला वो एक दूसरा कबला जिसे हम कह सकते हैं वो और फिर उसबले को दोबारा तब्दील किया गया हज़ू सातम की बाशत के बाद जो हम दूसरे पारे के अंदर पढ़ चुके हैं कि हुजूर हजूर अत साम जब मदीना मुनवरा आए तो पहले बैतुलस की तरफ रुख करके ही नमाज़ पढ़ते थे मक्का के अंदर भी बैतुलमकदस की तरफ ही रुख करते थे लेकिन मक्का में यह सहूलत थी कि सामने बैतल्ला भी होता था और फिर उसी सीध में आगे बैतुलमक़दस आता था लेकिन मदीना मुनवरा आने के बाद जब हुजूर हजूर अली सात वाम बैतुल्क़दस की तरफ रुख करते तो मक्का पीछे पुष की तरफ रह जाता था तो हज़ूर सलात वाम की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत और अपनी जो उसका एक प्लान था उसके मुताबिक दोबारा से किबला जो है वो बैतुल्ला की तरफ तब्दील किया तो अल्लाह ने फरमाया कि इस घर का जो हज है ये हर एक साहिब इस्तात के ऊपर फर्ज है वल्ला से हजुलबती मनस्ताही सबीला जो भी इस घर की तरफ सफ़र करने की इस्तात रखता हो उसकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त दे के वो सफर कर सकता हो रास्ता पुरामन हो उसके पास इतने पैसे हों कि वो ये सफ़र कर सके और अगर वो सफर पर जाए तो पीछे जो उसका अहल है जो उसके आयाल है जो उसके पीछे जिनकी कफालत की जिम्मेदारी उसके ऊपर है उनके लिए भी खाने पीने का कुछ सामान छोड़ कर जाए तो वह इंसान वो, वो मुसलमान उसके ऊपर हज फर्ज है और अगर कोई इंसान इस्तात के बावजूद हज का सफ़र नहीं करता तो अल्लाह के रसूल सलम ने भी अपनी अदीस के अंदर बहुत वाजान अंदाज में और ख़ुद अल्लाह ने यहाँ पर बहुत अंदाज में फ़रमाया वमन अमन कफ़ हरा फ़ैन अल्लामीन जो अल्लाह के इस हुक्म से इनकार करे तो अल्लाह दोनों जहानों से बेनियाज़ है उसे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई उसके घर आएगा तो उस उसकी मलकियत और उसकी हाकमियत और उसकी बादशाहत चलती रहेगी अगर कोई उसके घर नहीं भी आएगा अगर कोई उसके घर की ज्यारत नहीं भी करेगा तो अल्लाह की बादशाहत के अंदर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसलिए अल्लाह ताला ने तहाँ पे बहुत अंदाज में ये बात कही कि जो उसकी आयात का इनकार करता है और फिर हज की फर्जियत का इनकार करता है तो गोया कि वो अल्लाह ताली के हुम का इनकार करके दायरा इस्लाम से निकल जाता है इसलिए जो पाँच बुनियादी अरकान इस्लाम है जिन्हें हम इस्लाम के पिलर्स कहते हैं उनमें से अगर किसी भी चीज़ का कोई मुसलमान इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं रहता यानी अगर कोई आदमी कहे कि मैं चार चीज़ों को मानता हूं पांचवी चीज़ को नहीं मानता वो कोई भी पांचवी चीज़ हो और अरकान इस्लाम में से तो वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है तो अल्लाह ताला ने इस घर के हवाले से एक और बात जो हमें यहाँ पे बयान फरमाई कि फी ही आया तुम बना तुम मकामाहिम इसमें आयात बनात है इसमें वाज निशानियां हैं अब ये जो निशानियाँ अल्लाह ने इस जगह पर रखी हैं इन में से बाज़ निशानियों का इजहार इंसान को तब होता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है आप में से जिन लोगों ने अल्लाह के घर की ज़्यारत की है अल्लाह के घर गए हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह के घर और मताफ़ के अंदर खड़े होने के बाद जो रूहानियत जो सकून जो दिल के इतमान और जो खुशी इंसान को मैसर होती है दुनिया में किसी और जगह वो चीज़ और वो खुशी और वो सुकून मुयसर नहीं है ये उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि जो उसके घर पहुंचता है उसके घर को अपनी आँखों से देखता है तो उसके दिल को अल्लाह ताला इत्मीनान से भर देते हैं खुशी से भर देते हैं सुकून से भर देते हैं इसलिए अगर किसी चीज़ को देखने से सवाब मिलता हो तो उसमें एक चीज़ जिस जो सही हदीस के अंदर चीज़ आई कि इंसान अपने वालदेन की ज़्यारत करे कुरान को देखे और बैतल्ला को देखे तो उसे सवाब मिलता है ये अल्लाह के घर की बरकत है ये अल्लाह के घर की रुहानियत है उस माहौल की रूहानियत है जो इंसान वहाँ पे जाता है उसे ही महसूस होती है और फिर अल्लाह ने फरमाया व मंदूक़ान आमिना जो उसमें दाखिल हो जाए जो हरम की हदूद के अंदर चला जाए अल्लाह ने उसूद को हरम मुकर किया है वहाँ पे किसी का खून नहीं बहाया जाएगा वहाँ पे अगर किसी के बाप का कतिल है तो उसकी उसका खून भी हदम हदूद हरम के अंदर नहीं बहाया जाएगा बल्कि वहाँ पे हर एक को अमन है अगर कोई मुजरिम है तो उसको वहां से पकड़ लिया जा सकता है लेकिन उसके ऊपर सजा का नफाज जो है वो उस हदूद हरम के अंदर ये उसकी ताजीम और उसकी तकदीस के हवाले से अल्लाह तला ने यह उस मुकर फरमाया इसके बाद अल्लाह ताला ने जिस तरह सूरा बकरा में जब उम्मत मुस्लिमा से ख़िताब शुरू हुआ था तो अल्लाह ताला ने बहुत ही वाजह अंदाज में कुछ हिदायत, वहाँ पे उम्मत मुस्लिमा को दी जिसमें या वस्सला सबर का नमाज का हुक्म दिया सारी आयात हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने जब पहले किताब से खिताब ख़त्म हुआ और तकरीर मुसलमानों से शुरू हुई तो अल्लाह ने ये बहुत ही अहम हिदायत अम्मत मुस्लिम को दी इन आयात से मुतसफ़ होना हर फर्द का ज़ाती तौर पर इनफरादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है अगर वो दुनिया के अंदर अमामत और क़्यादत के मनसब के ऊपर फ़ायज़ होना चाहते हैं तो ये बुनियादी सिफ़ा हैं जिनको इख्तियार करना ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने फरमाई इत हक का तुका अल्लाह का तखवा इख्तियार करो जैसा कि तखवा इख्तियार करने का हक है यानी अल्लाह से इखलास के साथ वो जो कुरान की दीगर आयात के अंदर बात आई है ना कि फ़द्ला मुखलसिनद्दीन अल्लाह को ख़ालिश होकर उसके दीन के साथ वाबस्ता हो जो अल्लाह को ख़ालस होकर पुकारो यानी अल्लाह को पुकारने में किसी किस्म की कोई मतलब कोई अपनी दुनियावी मफादात कोई अपने पसंद और नापसंद इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ खालस अल्लाह को अल्लाह मानो और इसके आगे अपने आप को पेश कर दो तो अल्लाह का तखवा इख्तियार करो जैसा कि तखवा इख्तियार करने का हक है फिर अल्लाह ने हिदायत फरमाई वा तमतुन अं तुम मुस्लिमून और ख्याल करो कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मोमिन हो यानी ईमान की हालत में मौत यह बहुत बड़ी और बहुत अहम चीज़ है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान को होनी चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन मनकाना आखिर जन्न जिस इंसान का आखिरी कलमा ला इलाहा हो वो जन्नत में दाखिल होगा तो ये अल्लाह तारा नसीब वालों को ये कलमा नसीब फरमाते हैं और हमें इन मौक़ों पर जब हम दर्श में बात करें तो दिल में कम से कम ये ख्वाहिश तो होनी चाहिए और अगर हो सके तो जबान से ये कल अदा करने चाहिए कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा दे कि जिनकी मौत इस्लाम के ऊपर हो जिनका आखिरी कलमा ला अः अल्लाह ये तमन्ना और ये आरजू और ये दुआ और ये ख्वाहिश ये इन आयात को सुनते वक़्त और इस जैसी दीगर जितनी भी आयात आए तो ये तमन्ना और ये ख्वाहिश और दुआ दिल में पैदा होनी चाहिए इसके बाद अल्लाह ताला ने तीसरी हिदायत ये फरमाई वहाँ तस्मु बिहिल जमीअन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इसके ऊपर फिर हम थोड़ी तफसील के साथ आगे बात करते हैं कि अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है और इसको मजबूती से थामने का क्या मतलब है फिर अल्लाह ने फरमाया, इर्शात फरमायाकू व रकू दो दफा अल्लाह ने यह हिदायत फरमाई कि उन लोगों की तरह मत हो जाओ कि जिन्होंने किया, जिन्होंने दीन इख्तिलाफ करके दीन का हुलिया बिगाड़ दिया और इख्तिलाफ की सूरत में आपस के इतिहाद को नुकसान पहुंचाया उन लोगों जैसे मत हो जाओ और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अमर बिल

देखिए ये मज़मून है इतिहाद इतफाक़ वाह तस्मु बेहब लमिया वला तफर रकू ये जो, जो पीछे छः हिदायात हैं अगर उसको समराइज किया जाए तो वो इस जुमले के अंदर समराइज होती हैं उसका खासा इसके अंदर आता है वाह तस्मु बिहब ला जमिया वला तफर रकू के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफ़रक़े में मत पढ़ो अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है पहले तो ये समझना चाहिए इसकी वजाहत खुद बहुत सी अहादी के अंदर और साबा इक्राम रजील् तैन के अकबाल हैं इसके अंदर तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है कि इससे मुराद हब्ल से मुराद अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कुरान है ये अल्लाह का कुरान जो है ये हबल्लामतिन है ये अल्लाह की वो रस्सी है कि जो मजबूत तरीन है कि अगर इसको इस अंदाज़ में समझ ना हो कि रस्सी के दो टुकड़े होते हैं एक टुकड़ा आपके हाथ में हो और दूसरा टुकड़ा अल्लाह के हाथ में हो तो ये वो कुरान वो चीज़ है कि जो आपको अल्लाह के साथ मिलाती है तो अल्लाह ने फरमाया कि इस अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से थाम लो और एहतसाम जो होता है एहतसाम और किसी चीज़ को छूने में किसी को पकड़ने में और एहतसाम में फर्क होता है तो एहतसाम का मतलब है अरबी के अंदर किसी चीज को ऐसे जैसे दोनों बाहों से इंसान किसी चीज को अपने से लपेट लेता है तो अल्लाह ने फरमाया कि इस कुरआन को इस तरह से लपेट लो जैसे किसी कीमती चीज़ को अपने सीने के साथ लपेटते हो या जैसे माँ अपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगा के रखती है और ख़ास तौर पर जब कोई ख़तरा हो जब हालात थोड़े सख्त हो और माँ को डर हो कि बच्चे को नुकसान हो सकता है तो वो और ज़्यादा सीने के साथ उसको भींच लेती है यानी है तो कुरान को इस तरह अपने सीने से लगा लो इस आजमाइश के दौर में इस गुमराही के दौर में और इस बेरहरवी के दौर के अंदर कुरान को अगर अपने सीने से लोगे, अपने सीने से मजबूती से लगा लोगे, तो कामयाबी तुम्हारा मुकदर होगी और यही अल्लाह तुमसे चाहता है कि तुम कुरान से कुरान को अपने साथे जोड़ के रखो कुरान के साथ अपने आप को जोड़ के रखो और फिर अल्लाह ने दूसरी आयत फरमाई वला तफर रखू और तफरक़े के अंदर मत पढ़ो यानी टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ पार्टियों के अंदर तकसीम मत हो जाओ ग्रोहों के अंदर तकसीम मत हो जाओ अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें एक उम्मत बनाया है अल्लाह ने तुम्हें एक उम्मत मुस्लिम की हैसियत के अंदर दुनिया में खड़ा किया है और तुम सब का नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा है तुम्हारी पहचान मुस्लिम है हुआ सम कुमुल मुस्लिम अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है यही तुम्हारा तारफ है इनफरादी तौर पर मैं मुस्लिम हूँ और इज्तमाही तौर पर मैं उम्मत मुस्लिम का एक फर्द हूँ ये अगर हम इस नुकते के ऊपर आ जाए और इस नुकते की बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ इतहाद और इतफ़ाक़ की बुनियाद को खड़ बुनियाद खड़ी करें इमारत खड़ी करें तो फिर वो खूबसूरत वो खूबसूरत इमारत तामीर होती है कि जिसके अंदर बड़ी मजबूती होती है जिसे अल्लाह ने बुनियादे मरसूस कहा कि जो शीशा पिलाई हुई दीवार होती है फिर वह दीवार अगरचे उसके बनाने वाले थोड़े हों वह तादाद में थोड़े हों लेकिन बड़े बड़े सैलाब बड़े बड़े हमला हमला आवर उसको तोड़ नहीं सकते उसको ख़त्म नहीं कर सकते और रसुल्ला वसम ने सहाबा को इसी अंदाज़ में अहतसाम बिल कुरान और अहतसाम बिल रसूल यानि रसुल्ला वल्म की ज़ात के साथ वास्तगी और कुरान के साथ जो ताल्लुक था इतना मजबूत किया कि फिर वो अगरचे तादाद में थोड़े थे लेकिन उस वक्त की जितनी भी सुपर पावर्स थी उनके सामने खड़े हुए डट गए और फिर अल्लाह ने उन्हें फ़तः फरमाई तो वह पार्टियों के अंदर तकसीम नहीं हुए थे उन्होंने मुस्लिम के अलावा अपना कोई और तारफ़ नहीं करवाया था हाँ मुसलमान होने से पहले वो कहते थे कि मैं ओस से हूँ मैं खजरत से हूँ मैं मक्के से हूँ मैं कुरशी हूँ मैं जो है वो बनो तमीम से हूँ मैं बनु आदि से हूँ लेकिन मुसलमान होने के बाद फिर वो सब इन इन्नम, इन नमलमिन इखवा उसकी तस्वीर बन गए कि मोमिन असल में भाई भाई हैं तो ये रवैया हमें दोबारा से अपने अंदर पैदा करना है ये एटीट्यूड पैदा करना है इस भूले हुए रस्से की तरफ हमको वापस आना है कि हम जो एक अल्लाह को मानने वाले एक नबी के पैरोकार एक किताब की तिलावत करने वाले और हम जो हम अपने आप को अलैहि वसल्लम की उम्मत के का एक फ़र्द समझते हैं किस बुनियाद पर हम मुस्लिम के अलावा उम्मत मुस्लिमा के अलावा अपना तारुफ करवा सकते हैं ये मुमकिन नहीं है तो आज अगर हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल है मुसलमानों की सूरत हाल है मुसलमान मुल्कों की सूरत हाल है अगर आज जिल्लत और आज दुनिया के अंदर जो मार हमारी हमें मार पड़ रही है उसके पीछे अगर हम जाएं तो वजह यही हमें नज़र आती है कि हमने खिलाफत जब से ख़त्म हुई हम मुल्कों में तकसीम हुए तफरक़ों के अंदर हम तकसीम हुए और फिर हम टोलियों की सूरत में छोटे छोटे मुल्क छोटे छोटे ग्रोह फिर जिसका दिल करता है जहाँ पे जिसको जो चाहे पकड़ना चाहे मारना चाहे आके मारता है पकड़ता है और कोई उसका हाल नहीं होता अब मैं किस किस मुल्क का नाम लूँ जहाँ पे मुसलमान इस वक्त गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ उन्हें मैसर नहीं है तो आज अगर हम दोबारा से अपनी कायम कर लें अगर हम दोबारा से कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जुड़ जाएं और ये जो हमने तफरीक़ और ये जो छोटी छोटी तकसीमें हमने कर ली हैं अगर हम इनसे निकल आएँ तो फिर दोबारा से हमें वो ताकत और वो क़ुवत नसीब हो सकती है कि जिसके सामने दुश्मन जो है वो कमज़ोर महसूस होगा तो ये दोबारा से सबक जो है वो याद करने की ज़रूरत है व आतसम बिहब लि जमियाँ वाला तफ़र रखू इसके बाद अल्लाह तमत मुस्लिमा को उसका दोबारा से मनसब याद करवाया जैसा कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने जब अहले किताब अहले किताब के बाद मुसलमानों से खिताब शुरू हुआ तो फरमाया वी का जालनामत वसता अल्लाह ने तुम्हें उम्मत वसत बनाया और क्यों बनाया लिताकुनु शहदा आलन्नास वकून और रसूल वाल शहीदा ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाएँ तो ये गवाही की म्मेदारी लोगों के ऊपर रसानत के पैगाम को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने सत के सपुरद की है सत के ज़िम्मे लगाई है इसीलिए अल्लाह ने इसे उम्मत वसत बनाया और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि कन तुम खईर उम्मतन तुम बेहतरीन उम्मत हो बेहतरीन लोग हो बेहतरीन ग्रोह हो क्यों उख रिजतना नास तुम लोगों के लिए निकाले गए हो तुम लोगों की रहनुमाई के लिए लोगों को ठीक रास्ता बताने के लिए लोगों को बातिल और हक का फ़र्क समझाने के लिए और लोगों को अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि तुम अपने इंतब से उमत मुसिमा में नहीं आए बल्कि ये अल्लाह का इंतबाब है कि उसने तुम्हें उम्मत मुस्तम में पैदा किया और उम्मत मु का एक फ़र्द बनाया ताकि तुम लोगों की हिदायत का ज़रिया बनो तो फिर अल्लाह ने तीन सिफात यहाँ ज़िक्र फरमाई कि तुम जो उम्मत मुस्मा का हिस्सा हो इस उम्मत खैर का हिस्सा हो उम्मत वसत का हिस्सा हो तो कौन सी तीन सिफात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए तो अल्लाह ने फरमाया मरू नबिल्माफ तुम नकी का हुक्म देने वाले हो वतन हून अनिल मुनकर तुम मुनकर से बुराई से रोकने वाले हो और फिर अल्लाह ने फरमाया वतुब मीनू नबिल्ला तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो और अल्लाह पर ईमान ये ज़बानी ईमान नहीं कि सिर्फ हमने कह दिया हम अल्लाह को मानते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी करते हैं बल्कि हम अल्लाह को इस तरह मानते हैं जैसा कि अभी इससे पिछली आयात में अल्लाह ने फरमाया कि इतुल्ला हक का तुकाती अल्लाह से अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि उसका तकवा इख्तियार करने का हक है तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते जैसा कि ईमान लाने का हक है और यहाँ पे हमें ये बात समझनी चाहिए कि ईमान के तकाज़े हैं अल्लाह पर ईमान लाने के तकाज़े हैं अल्लाह को जब हम अल्लाह मानते हैं अपना रब मानते हैं अपना खालिक मानते हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी उसी तरीक़े पर बसर करनी चाहिए जिस तरीके पर हमारा रब हमें देखना चाहता है उस रस्ते पे चलना चाहिए जिस रस्ते पे चलते हुए हमारा रब हमें देखना चाहता है और हमें वही काम करने चाहिए जो हमारा रब हमें करने की इजाज़त देता है और उन कामों से अपने आप को रोकना चाहिए जिन कामों से हमें वो रोकने का हुक्म देता है यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत में करता चलूँ अमर बिलमूफ और नहीं अनिल मुनकर ये बहुत अहम फरीजा है जिसके लिए इस उम्मत को उठाया गया और खड़ा किया गया ये नेकी की दावत देने वाले नेकी के कामों में ताउन करने वाले नेकी के ये अलम को बुलंद करने वाले और नेक फ़जा को और नेक माहौल को क्रिएट करने वाले लोग हैं इसलिए इस उम्मत की बतौर उम्मत यह ज़िम्मेदारी है और इनफरादी तौर पर मेरी जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने दायरे के अंदर नेकी का हुक्म देने वाले हों मेरे साथ जितने लोग वाबस्ता हैं मेरी बीवी है मेरे वालिदैन हैं मेरे बच्चे हैं मेरे दोस्त हैं मेरे कोलीग्स हैं यानी जहाँ जहाँ मेरा दायरा चलता है मैं नेकी का लम्बरदार बन जाऊँ और नेकी क्या है कि आप हक की तरफ सच की तरफ और अच्छी बात की तरफ लोगों को बुलाएं और इसी तरह इसका दूसरा पहलू कि मैं बुराई से लोगों को रोकने वाला हूँ जहां जहां पे मेरा दायरा चलता है जिस जिस जगह पे मेरी बात पहुंचती है मैं लोगों को बताऊं कि जो तो काम गलत है वो गलत है और फिर यहाँ पे एक और हदीस का भी मैं हवाला देना चाहूँ जिसमें रसूल सल्लाम ने यह बात इर्शाद फरमाई कि तुम में से अगर कोई बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उस बुराई को रोक दे उस आदमी की हैसियत तीन दर्जे में हो सकती है बुराई को रोकने के हवाले से या तो वो आदमी खुद अपने हाथ से उस बुराई को रोक सकता है वो अपने घर के अंदर किसी बुरे काम को होता देखे तो हाथ से उस काम को रोक सकता है वो अपने फैक्ट्री के अंदर अपने मुलाजमीन के दरमियान जहाँ पे उसका इख्तियार चलता है जहाँ पे उसकी बात चलती है जहाँ पे वो किसी चीज़ को नाफिज कर सकता है कोई कानून बना सकता है तो वहाँ पे वो बतौर क़वत अपने हाथ से उस काम को रोक दे और फिर दूसरी हैसियत अल्लाह के सलम ने फ़रमाया कि बज़ जगह पर इंसान हाथ से कोई काम नहीं कर सकता उसका इख्तीर नहीं होता वो उस सोसाइटी का हिस्सा तो होता है लेकिन वो वहां पे अपने हाथ से इसलिए कि उसके पास कुवत नाफिजा नहीं है तो फिर वहां पे उसे ज़बान से गलत को गलत कहना है जो चीज़ ग़लत है उसे गलत कहना है अगर किसी जगह किसी भी मज़लूम की और या किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी हो रही है उसके हक में आवाज़ खड़ा खड़ी करना उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करना ये उसकी जिम्मेदारी है उसे ये काम करना चाहिए और मजलूम चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो उनके हक़ में अपनी आवाज़ अपना वोट उनके लिए अपनी आवाज उनके लिए खड़ी करनी चाहिए और तीसरी तीसरी जो चीज है कि तीसरी जो हैसियत है कि अगर इंसान जबान से भी ना बोल सकता हो किसी वजह से कोई हालात ऐसे हो कि वो जबान से भी गलत को गलत न कह सकता हो गुनाह को गुनाह ना कह सकता हो तो फिर अल्लाह के रलम ने फरमाया कि कम से कम इतना तो कर लो कि अपने दिल के अंदर उसको बुरा जानो और ये ईमान का कम तरीन दर्जा है यानी अगर तुम बुराई को देख कर बुराई को रोक नहीं सकते बुरे को बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम उसको बुरा जान तो सकते हो तो ये यानी तीन लेवल्स हैं इसके मुख्तलिफ, इनके ऊपर इन में से किसी एक के ऊपर अपने आप को रखना चाहिए अगर बुरे बुरे काम को देख कर या बुरी चीज को देख कर अगर हम इन तीन में से किसी एक दायरे में भी नहीं आते तो फिर हमें इस थोड़ा सा अपने रवैयों को और अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है इसके बाद अल्लाह तला ने अहले अहले किताब का जो खैर है अहले किताब के अंदर जो अच्छे लोग हैं जो नेक सीरत लोग हैं जिनका अखराक और किरदार और जिनकी इबादत, जिनका जिनकी गवाही अल्लाह खुद दे दे रहा है क़ुरान के अंदर उस हवाले से हजूर आल सात सलाम के ज़माने में आपको बतलाया और उस से आज हम सब के लिए हिदायत मौजूद है कि अगर इस तबीयत के और इस जहन के और इस किरदार के लोग मौजूद हों तो फिर उनके साथ दोस्ती डिवेलप करना उनके साथ अच्छा तल्लुक डिवेलप करना और आहिस्ता आहिस्ता उनको इस हद तक ले आना कि वो आपके अखलाक से मुतासर होकर और उनके अंदर जो खैर है उस खैर को इस्लाम के खैर का जो दरिया बह रहा है उसमें डाल के मज़ीद आगे की तरफ ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है तो अल्लाह ने फरमाया मिन अहल किताबी अहल किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं उम्मतन क़ाइमत यतलून आयात ही आना अल्लाहमय युद्दून के वो रात को खड़े होकर अल्लाह के आगे अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं और सजदे की हालत के अंदर वो रहते हैं यानी वो और सुजूद और नमाज की जो कैफियत है उसमें वो अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं यु मीनून वल वालय आखिर वल्लाह पर भी ईमान लाते हैं योम आखरत पर भी ईमान लाते हैं वया मरून अबिलूफ़ी वन हउन मुनकर और वो अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देते हैं अपने दायरे के अंदर और बुरे कामों से रोकते हैं अपने अपने दायरे के अंदर वो यू सारून फिलखी रात और वह भलाई के कामों में नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले हैं और ये जो सीगा है ना ये सारे ऊना इसका मतलब होता है दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलना मुसारात करना तो वो नेकी के कामों में एक दूसरे से दौड़ लगाते हैं यानी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और आज भी दुनिया के अंदर ऐसे अहले किताब मौजूद हैं हम खुद ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ चुके हैं बातचीत होती है कि जो नेकी और भलाई के कामों में आगे से आगे और बग़ैर इस चीज़ के कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक रखता है वो तान करने के लिए तैयार होते हैं उनकी ज़ात के अंदर उनकी तबीयत के अंदर नेकी और शराफत मौजूद है तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो लोग ऐसे मौजूद थे उन उनकी तबीयत ने बाद में फिर ख़ुद ब खुद इस्लाम की तरफ माइल हुए और इस्लाम कबूल किया बहुत सी मिसालें इसके अंदर मौजूद हैं बहुत से यहूदी आलिम बहुत से ईसाई आलिम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हजूर आलसातम की दावत पर वल बैग कहते हुए दार इस्लाम में दाखिल हुए तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग यानी हर ज़माने के अंदर जो है वो अबू तालिब मौजूद होते हैं ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उनकी पहचान हासिल करें और उनको इस्लाम की तकवीत के लिए और इस्लाम की दावत को फैलाने के लिए हम उनके साथ मिलकर आगे चल सकें और बतौर ख़ास यहाँ पे मैं हम अपने यूरोपियन पस मंज़र के अंदर ही मैं बात अपने दोस्तों से कहता हूँ आज भी रिपीट कर रहा हूँ इस आयत के की वजाहत और तशरीह के अंदर कि इन माशरों के अंदर अगर बहुत से शरीर लोग मौजूद हैं तो बहुत से अहले खैर भी मौजूद हैं बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं इस माशरे के अंदर अक्सरियत अच्छे लोगों की है शरीर लोग तो बहुत थोड़े हैं यानी यहाँ पे यूरोप के हवाले से एक जो इमेज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि ये इन ये यानी नबी अक्रम सल्ह वसम के बारे में नाज़ैबा ख़ाके बनाते हैं कार्टून बनाते हैं ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं ये बड़े इस्लाम के मुखालिफ हैं ये एक बहुत छोटा एलिमेंट है इस सोसाइटी का ये हम सब जानते हैं दो चार छः हर मुल्क के अंदर ये ऐसे लोग मौजूद हैं और हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं लेकिन ये कुल सोसाइटी नहीं है ये सारा मुशर नहीं है हाँ इस सोसाइटी का बहुत छोटा हिस्सा है तो जो इस सोसाइटी का बड़ा हिस्सा है जो आपके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है आपके लिए खैर के जज्बात रखता है अब ये आपकी और मेरी लियाकत और रकलमंदी है कि हम कैसे उसको अपना हमनवा बनाते हैं अपना साथी बनाते हैं और उसे इस्लाम के साथ मोहब्बत का रिश्ता उसका कायम करते हैं उसको इस्लाम से करीब करते हैं ना कि उन चंद सर फिरों की वजह से हम बाकी जितना भी खैर है उसका इनकार कर दें हज़ूर आल ने फरमाया था एक बुनियादी असूल हमें बताया था कि खुश माँ सफ़ा उदा माँ कदर जहाँ पर जो अच्छी बात मिले जो अच्छा फ़र्द मिले उसको इख्तियार कर लो और जो बुरी बात मिले बुरा फ़र्द हो बुरी महफिल हो बुरी सोसाइटी हो उससे अपने आप को दूर कर लो तो इस ओल को अपनाते हुए इन माशरों के अंदर भी हमें इसी अंदाज में आगे चलने की जरूरत है इसके बाद आगे तकरीबन एक सौ इक्कीस आयद से एक सौ अस्सी तक जंग के ऊपर तफसीली तबसरा है इस हवाले से चंद बातें मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ फिर उसके बाद इन हम आगे के मजामीन की तरफ चलेंगे गजबाएह जो था ये तीन हिजरी के अंदर शवाल तीन के अंदर ये मारका हुआ बदर दो हिजरी में हुआ था तो बदर से एक साल के बाद ये का मार्का बपा हुआ बदर के अंदर हम पहले थोड़ा सा इसका जिक्र कर चुके हैं कुफार को शिकस्त हुई थी और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबाता फरमाया था बहुत से कुरैश के सरदार जो थे वो कत्ल हो गए थे जिनमें अबू जहल जो उनका सरदार था उसका भी कत्ल हुआ और इसके अलावा दीगर बहुत बड़े 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 सरदार उनके कतल हुए तो अपने सरदारों का बदला लेने के लिए इंतकाम की आग जो है वह मुसलसल उनके अंदर जल रही थी और वो इस इंतज़ार में थे कि दोबारा फिर से मुसलमानों पर हमला करके अपने अपने जो हमारा नुकसान हुआ है और जो हमारे अपने जो कत्ल किए गए हैं हमसे जुदा किए गए हैं उनका हम बदला ले सकें तो शवाल तीन हिजरी में उन्होंने दोबारा मदीना मनवरा के ऊपर हमला किया हज़ूर आलोलम को अल्लाह ततौर वही उनकी पेशकदमी की खबर दी आप सलात वाम ने अपने साहबा से मशवर किया कि हम जंग के अंदर अब जंग की कैफियत है तो हम किस तरह से मुकाबला करें और हज़ूर आल की ये आदत मुबारक थी कि आप सहाबा से मशवरा किया करते थे आप उनके साथ मुशावरत के बाद कोई भी इकदाम उठाया करते थे तो जब मशवरा हुआ तो मशवरे के अंदर दोनों आरा मौजूद थी कि मदीना मनवरा के अंदर रह कर डिफ़ेंसिव होकर उनको मदीना में दाखिले से रोका जाए और मदीना में रह कर हम उनका मुकाबला करें और बहुत से नौजवान साहबा की राय ये थी कि हम जिन और तौर पे वो कि जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे कि हम बाहर निकल कर उनको बदर यानी वो जहाँ पे रस्ते में जहाँ पे हमारी उनसे मुलाकात हो सके तो वहाँ पे हम उनको रोकें और मुकाबला करें यानी उनको मदीना के करीब भी ना आने दिया जाए तो हजूर आल वाम ने यह सारी आरा सुनने के बाद आप अपने हजर मुबारक में तशरीफ़ ले गए आपने जंगी सामान पहना और बाहर निकले तो बाद सहाबा को जिन्होंने ये राय दी थी कि हमें बाहर निकल के मुकाबला करना चाहिए उन्हें महसूस हुआ कि शायद हमारी कोई बात जो थी वो शायद हमारी हद से ज्यादा थी यानी वो जो कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात तो हमें शायद ये नहीं कहना चाहिए था इसलिए कि उनको ये महसूस हुआ कि हुजूर आल सात व सलाम की जतीी राय ये थी कि मदीना में रहकर मुकाबला किया जाए तो उन्होंने हुजूर से माजरत की और कहा कि अगर आप मुनासिब समझे तो हम अगर आपकी राय यह है कि हम मदीना में ही रहकर मुकाबला करें तो हम यहीं पर रह लेते हैं तो हजूर आतम ने फरमाया कि नहीं जब अल्लाह का नबी जंग की तैयारी के लिए लिबास पहन ले तो फिर उसे वापस नहीं तो आज सकाब यह तय हो चुका कि हमने बाहर निकलना है और बाहर निकल के ही हम उनका मुकाबला करेंगे इसलिए अब मदीना के अंदर नहीं बल्कि मदीना से बाहर जंग होगी तो अहद के मकाम का तयन हुआ और अहद के मकाम के ऊपर हुजूर हज़ुर आलसात अपने सहाबा के साथ उस तरफ रवाना हुए ये अहद जो है जो लोग मदीना मुनवरा गए हैं तकरीबन मदीना मुनवरा से पंद्रह मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है ये अहद की पहाड़ी आ जाती है दस से पंद्रह मिनट की ड्राइव है तो अहद का पहाड़ जो है ये इसके बिल्कुल सामने जो है वो एक तरफ मदीना मनवरा की आबादी है और दूसरी तरफ मक्का मुकरमा की तरफ से आता हुआ वो जमीनी इलाका है या जमीनी आप कह लें रास्ता मौजूद है तो बदर यानी ओहद जो था यहां पर हजूर अली सात सामने से कुफार को आता हुआ देख सकते थे और आपके दूसरी तरफ जो था यह मदीना मनवरा की आबादी थी तो ये एक टेक्निक और एक तदबीर थी कि हज़ूर आतलम मदीना में रह जाने वालों की भी हिफाजत करें वो मुसलमानों का लश्कर के कुफार जो है वो मदीना पर हमला आवर न हो सके और आमना सामना जो है ऐसे मकाम के ऊपर हो कि हज़ूर आतलम अपने सामने कुफार को रखें और पुष के ऊपर एक तरफ बहुत का मैदान हो और दूसरी तरफ जो है वो मदीना का मदीना की जो आबादी है वो हो तो हजूर आसात वसलम ने जब यह फ़ैसला किया तो आपके साथ तकरीब एक हज़ार की तादाद में मुसलमान और मुनाफिकीन दोनों की जमात निकली अब जाहरी बात है कि मुनाफिकीन जिनका सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई था उसने हज़ूर अलहसात सलाम से रस्से के अंदर ये बात की झगड़े के अंदाज़ में कि आपने हमारी बात नहीं मानी और ये तो मुँह के मुँह में जाने वाली बात है वो तीन हज़ार का लश्कर है हम एक हज़ार में हैं हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे इसलिए हम आपका साथ नहीं देते तो वह वापस अपने तीन सौ मुनाफिक मुनाफिकों के साथ तीन सौ तीन सौ मुनाफिकों के साथ वापस मदीना मनवरा चला गया तो हज़ूर सात वाम अपने मुखलिस मुसलमान साहबा के साथ जिनकी तादाद सात सौ थी ओहद के मकाम के अंदर पहुँचे अब ओहद के मैदान में हज़ुर आल सात वाम नेहबा को तकसीम किया जंगी एतबार से जो उनकी पोजीशन थी वो मुकर कि और आपने पचास तीर अंदाजों का एक दस्ता अब्दुल्ला अबिन जुबैर की क़्यादत में आपने पहाड़ एक छोटा सा पहाड़ जो एक तरफ था उसके ऊपर आपने उनको मुतिन किया और उनसे कहा कि तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है अगरचे तुम ये भी देख लो कि हमें शिकस्त हुई है या फतह हुई है और हती कि अगर हमें शिकस्त हो जाए और परिंदे हमारे जिसमों को नोचने के लिए आ जाए तो तुमने अपनी जगह को छोड़ना नहीं है यानी तुम्हारा तुम्हारी जो पोजीशन है स्ट्रैटेजिक पोजीशन है यह बहुत कीमती पोजीशन है और इसे किसी सूरत तुम खाली नहीं कर सकते तो अब अब यह जो दस्ता था जिसको हुजूर हजूर आल सातम ने वहाँ पे मुकर किया था जंग शुरू होने के बाद जब इन्होंने देखा और पहले रेले के अंदर पहले हमले के अंदर कुफार को शिकस्त हुई और वो पसपा होना शुरू हुए और मुसलमानों को गलबा और फतह मिलना महसूस हुई तो इन में अब डिबेट शुरू हुई कि आया कि हम यहाँ पे रुकें या ना रुकें तो हज़ूर आसात व की हिदायत और आपकी जो नसीहत थी ये बाज़ ने अपने पल्ले बांधी हुई थी उन्होंने दूसरों से कहा कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए हुजूर ने फरमाया था कि हमें शिकस्त हो या फतह हो तो यहाँ से हिलना नहीं है इसलिए हम यहीं पर रुके रहेंगे और बाद जिनके दिल के अंदर ईमान अभी इतना मजबूत नहीं था और माल माल गनीमत जो जमा होते हुए वो देख रहे थे तो उस लालच के अंदर उन्होंने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया तो ये सारे नहीं वहां से गए कुरान कहता है मिन दुनिया व मिन कुआर तुम में से कुछ ऐसे थे कि जो दुनिया को चाहते थे और तुम में से कुछ ऐसे थे कि जो आखरत को चाहते थे तो दुनिया के जो तालब थे वो नीचे माल गनीमत के उसूल के लिए पहुंचे और जो आखरत के तालब थे वो उसी जगह पे जो तादाद में थोड़े रह गए थे वहीं पर रहे अब काफिरों के लश्कर के अंदर उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद शामिल थे ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे तो इन्होंने देखा कि वो जो ऊपर एक जगह जहाँ पे मुसलमानों को एक एक दस्ता मुतन था वो अब वहाँ पे मौजूद नहीं है तो उन्होंने पीछे से पीछे उस पहाड़ के पीछे से एक लंबा रास्ता इख्तियार करके मुसलमानों के ऊपर हमला किया अब वो थोड़े से तीर अंदाज से वो भी शहीद हुए और मुसलमानों को इस पीछे से हमले का बिल्कुल तो नहीं थी और वह मुतमइन थे कि ऊपर जो पचास तीर अंदाज़ हैं, वो पीछे से आने वाले किसी भी हमलावर को रोक लेंगे तो जब वो दस्ता वहाँ पर नहीं था और ख़ालिद बिन वलीद अपने कुछ सिपाहियों के साथ पीछे से आके हमलावर हुए तो सामने भी अभी कुफार मौजूद थे और पीछे से भी कुफार का एक दस्ता आया तो यहाँ पर फिर मुसलमान जो है वो दोनों तरफ से कुफार के निगे में आए और खालिद बिन वलीद और उनके साथ जो जंगजू थे उन्होंने बहुत से सहाबा जो थे इस जंग के अंदर फिर शहीद हुए सत्तर के करीब साहबा हैं जिनकी शहादत हुई खुद हुजूर अलैहि सात व सलाम को एक तीर लगा जिसके नतीजे में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए और यहाँ से खून का फवारा फूटा आप नीचे गिर गए और जब आप अपनी सवारी पर नहीं थे नीचे गिरे थे तो यह अफवाह फैला दी गई कि रसूलुल्लाह को भी कत्ल कर दिया गया है उस वक़्त जब यह बात फैली अब जंग की कैफियत थी और जब लोगों ने यह सुना और बाहिर मुसलमान गिरते हुए और शहीद होते हुए नजर आ रहे थे तो साहबा की जो हिम्मत है बहुत से साहबा की हिम्मत वो जवाब देना शुरू हो गई हती कि हज़रतमर फ़ारूक के बारे में ये बात मौजूद है कि उन्होंने भी अपनी तलवार फेंक दी और कहा कि अगर रसूल्ला नहीं रहे तो फिर हमें ज़िंदा रहने की क्या ज़रूरत है ये कैफ़ीत जो थी ये वहद के मैदान के अंदर हुई थी और फिर हजूर आल सा खड़े हुए दोबारा अपनी पोजिशन आपने उसको दोबारा से हासिल किया और फिर आपने लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया कि जो सरासीमगी की वजह से और कुफ़ार के हमले की वजह से मदीना की तरफ भागना शुरू हुए थे तो हज़ूर ने फरमायाबादल्ला आइबादल्ला मेरी तरफ़ के मंदो मैं महमद इबन अब्दुल्ला अपनी जगह पर मौजूद हूँ तो फिर आहिस्ता आहस्ता साहबा फिर इकट्ठा इकट्ठा होना शुरू हुए और हजूर आल सात ने फिर साहबा को दोबारा कुफार के मुकाबले में सफ़ बस्ता किया और उस हमले के नतीजे में फिर कुफार पीछे हटना शुरू हुए और हटते हटते उन्होंने मक्का मुकरमा की राह ली तो ये उस पूरी गजा अहद का जो पस मंज़र है इसके अंदर बहुत से इसबाक हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर फरमाया उसमें बतौर ख़ास जो चंद बातें समझने की हैं कि अमीर की जो इतात है ये बहुत अहम है अगर अमीर की अतात किसी भी फ़ौजी कमांडर की अतात अगर उसकी फौज नहीं करेगी किसी भी लश्कर की जो 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 अमीर है अगर उसकी इतात उसकर नहीं करेगा तो फिर वो फतह से हमकनार नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हिदायत की कि तुम्हारी ये जो शिकस्त हुई है या तुम्हें जो ये जो बाज़ लोग जो है वो शिकस्त का लफ्ज़ मुनासब नहीं समझते उहद के मैदान में और सही बात भी यही है कि वो वाजह तौर पर किसी की कोई फतः शिकस्त नहीं थी कोई वाज फ़ैसला नहीं हुआ था पहले रेले में मुसलमानों को गलबा मिला और उसके बाद कुफार ने हमला करके बहुत से मुसलमान शहीद किए लेकिन हतमी नतीजे को निकलने या उसका इंतजार करने की बजाय कुफार ने फिर पसपाई इख्तियार की और वो चले गए तो अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया जो सारा मामला हुआ इसके अंदर अल्लाह की तरफ से बहुत सी हमतें थी अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह ताला बावजूद इसके कि वो तीन अंदाज वहां पर नहीं थे अल्लाह अपने फरिश्ते भेज के मुसलमानों की हिफाजत कर सकता था और अगर अल्लाह चाहता तो आंधी भेज के जिस तरह उसने अहजाब के मैदान में आंधी भेजी थी और कुफार के जो खैमे थे वो उलट गए थे अल्लाहद में भी कर सकते थे लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मामला हुआ है इसके अंदर कुछ असबाक थे जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वियुमा सदी आनु वय हकल काफी वलिया आनु व तखीदिन शुहदा अल्लाह ये जानना चाहता था कि तुम में से कितने हैं कि जिनके दिल के अंदर ईमान जो है वो शराय कर चुका है वो पक्के और सच्चे मोमिन है और इसी तरह अल्लाह तुम में से कुछ को शहादत के मरतबे पर फायज़ करना चाहता था शहादत का शौक और शहादत की आरजू और तमन्ना तुम्हारे दिल के अंदर पैदा करना चाहता था और इसी तरह अल्लाह तहता था वली सजी आ मनु वय हकल काफी अल्लाह ताला इसके जरिए से अहले ईमान को जो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी रह गई थी जो कमजोरी रह गई थी अल्लाह उसको दूर करना चाहता था और फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि हम हसिफ तुम अनत खजन्न ये बात दूसरे पारे में भी अल्लाह तमत मुस्तिमा से की थी कि क्या तुम्हारा गुमान है तुम ऐसे ही लाई ला पढ़ के जन्नत में चले जाओगे नहीं अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आएगी इम्तिहान आएगा और बड़ा सख्त इम्तिहान आ सकता है तो ये अहद का इम्तिहान जो था बड़ा ही सख्त इम्तहान था तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की यह सुनत है कि वो आजमाता है और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि तुम हुजूर हजूर आल सातम की शहादत के बारे में सुन के तुमने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि हमारा इस्लाम से अब कोई लेना देना नहीं रहा क्या तुम रसूल सल्लाम के लिए मुसलमान हुए हो तुम अगर अल्लाह के लिए मुसलमान हुए हो तो फिर इससे पहले भी नबी दुनिया में आए और दुनिया से चले गए लेकिन अल्लाह का दीन कायम रहा तो अल्लाह ताला ने यह इस्लाह फरमाई उन लोगों की जो ये समझ रहे थे वो दीन पर सिर्फ इस वजह से है कि मोहम्मद रसूल उनके दरमियान मौजूद है तो अल्लाह ने फरमाया व माँ मोहम्मद उन रसूल मोहम्मद सल्लाम अल्लाह के रसूल है कद हलत मिलकबल है रसूल। उनसे पहले भी रसूल आए और गुजर चुके अफाइम माता औ कुलब तुम आकाबिकुम अगर ये मर जाए इनकी वफात हो जाए अल्लाह इनको वापस बुला ले औ अगर ये मैदान जंग के अंदर कतल कर दिए जाए इन कलब तुम आकाबिकम तो तुम अपने पाँव पर उल्टे फिर जाओगे तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले भी नबी आए हैं अगर तुम इस वजह से दीन से फिर जाओगे तो फिर अल्लाह को तुम्हारे ईमान की ज़रूरत नहीं है यन वाम कलेबालब ही फ़लं यदुर सैया कि जो इस मामले की वजह से दीन से फिरता है तो फिर अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करता बस एज़िल्ला हा, शाहकिन हाँ जो सबित कदम रहते हैं जो दीन के साथ पक्के और मुखलस होकर डटे रहते हैं अल्लाह ने फरमाया कि फिर अल्लाह उनको बदला देता है वाली नफ्स नज़दिल किताबरा और अल्लाह ने यह बात बहुत कैटागोकल अंदाज में बहुत वाज अंदाज में फरमाई कि जो भी नफ्स है जिसको रूह है जिसके पास सांस है अल्लाह उसको मौत देता है और उसकी मौत का एक वक्त मुकर है अल्लाह की तरफ से हर नफ्स की मौत का एक वक्त मुकर है वह कब कहाँ पर आनी है यह अल्लाह के इल्म के अंदर है हाँ जो दुनिया की जिंदगी के अंदर कोई नेकी कमा लेगा आखिरत उसकी अच्छी हो जाएगी और जो सिर्फ दुनिया ही के लिए जिंदगी बसर कर देगा तो आख़रत में उसे कुछ नहीं मिलेगा अल्लाह ने ये इस्लाही गुफ्तु जो थी तरबियत जो थी अहद के बाद जो जो यानी एक पूरा मजमून अल्लाह ने यह नयात पर मुश्तमिल नाजिल फरमाया तो उसमें ये इसलाह के हवाले से मुसलमानों से बात कही कि तुम्हारे अंदर जो लोग जिनमें अभी दुनिया की मोहब्बत मौजूद है उनकी दिल की पाकिजगी के लिए भी अल्लाह की तरफ से ये इम्तहान था और इसी तरह से जो लोग ये समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ ईमान या रसूल सलम के साथ उन्हें जंग में फतह दे देगा और वो किसी हुक्म की पैरवी करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यह गलत तस्वुर था अल्लाह ताला ने उसकी इसलाह भी फरमाई इसके बाद अल्लाह ताला ने तुहदा का मकाम और मर्तबा बयान फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया वला वा फी सबीलिल्लाहि अमवाता जो अल्लाह की रस्से में अपनी जान देते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो ये तो अल्लाह के यहाँ पहुँच जाते हैं इनकी रूहें जन्नत में परिंदों की मानंद उड़ती फिरती हैं जन्नत की नेमतों से बहरावर होते हैं और वहाँ पे इनकी रूहें परिंदों की शक्ल में सही हदीस के मुताबिक वहाँ पे रहती हैं और ये अपने रब के पास युरजकून इनको रिज्क दिया जाता है उस रिज्क के पहुँचाने की कैफियत क्या है हम नहीं जानते अल्लाह ताला बेहतर जानता है और शहीद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लम ने एक हदीस में बताया कि शहीद जब शहीद होता है और उसकी जान दुनिया से निकल के अल्लाह के यहाँ पहुँचती है आसमानों में तो अल्लाह ताला के पास पहुँच के शहीद फिर से ये ख्वाहिश करता है कि जो मज़ा तेरी राह में जान लौटाने का आया था वल्ला किसी और चीज़ में नहीं है मेरी तमन्ना और आर्जू है कि फिर मुझे जान दुनिया में दी जाए और फिर फिर से मैं तेरे रस्ते में कुर्बान करूं तो ये लज्जत और सरूर अल्लाह के रस्ते में इखलास के साथ जो लोग लड़ते हैं अपनी जान का नजराना पेश करते हैं अल्लाह उनको अता फरमाते हैं इसके बाद इस सूरत का जो अख्तितामी हिस्सा है उसके अंदर अल्लाह ताली ने अहल ईमान को फिर से ताल्लुक बिलक मजबूती के लिए जिस तरह सूरह बकरा के आखिर में उसका इख्तिताम दाओ पर हुआ था इसी तरह फिर इस सूरत का अख्ताम भी दाऊँ के ऊपर होता है और ये बात याद रखिए कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले दुआओं का अहतमाम करते हैं अल्लाह के साथ ताल्लुक को मज़बूत करने वाले दुआओं का अहतमाम करते हैं अल्लाह ने खुद कुरान में ये तालीम दी है इस ईमान को दुआओं का विद करते रहना चाहिए अल्लाह के साथ ताल्लुक को मज़बूत करने के लिए उससे मांगते रहना चाहिए दुआएं मुख्तफ़ किस्म की इंसान मांगता है लेकिन कितनी खूबसूरत दुआएँ हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में बयान फरमाई तो ज़रा इन आयात का तर्जमा मेरे साथ सुन लीजिए इन दुआओं का जो अल्लाह ताली ने सूर आल इमरान के आखिर मेरशात फरमाई अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्दीन एसकुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुदन व जो अल्लाह का जिक्र खड़े हो करते हैं बैठे हुए करते हैं और अपनी करवट पे लेटे हुए करते हैं आसमान और ज़मीन की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं रब्बा रबा नामा हादा बातिला फिर वो कहते हैं हमारे परवरदिगार तूने ये सारी चीज बेकार में पैदा नहीं फरमाई सुबहान का तेरी जात बहुत ही पाकीजा है फकीना नादा बन्नार ए हमारे परवरदिगार हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा ले रबना इन का मन तुद खिल नारा फ़कत अखजता ए अल्लाह ए हमारे परवरदिगार जिसे तू आग में दाखिल कर दे यकीनन वो तो बहुत ही खसारे का सौदा है वो तो बहुत ही रसवाई का सौदा है वाल िमीन अमिन अनसार और ए हमारे परवरदिगार ालिमों का कोई मददगार नहीं फिर वो ये कहते हैं रबना सना मुनादियानादी लिल ईमानियन आमिन बे रबिकम फ़ आमन्ना अमारे परवरदिगार हमने सुना कि कोई ईमान की तरफ बुला रहा है तो हमने उसकी पुकार पेलबैग कहा और हम ईमान ले आए रबना फ़ग फिर ला नाजुनू बना अ हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे वक़िर आना सही आतीना और अ हमारे परवरदिगार हमार हमसे जो लफ्जिशें हुईं तू उन्हें माफ फरमा दे हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे व तबरार और ए हमारे परवरदिगार हमें नेक लोगों के साथ हमें हमारा खात्मा फरमा नेकियों ने के साथ हमारा खात्मा फरमा ربنا ما وعدتنا व आतीना मा वना रसुल का वातुना इन न कलाफुलमिया ए हमारे परवरदिगार तू हमें वो दे दे जिसका वादा तू ने हमसे किया और अपने रसूलों की जबानी तू ने हमसे वो वादा किया और क़्यामत के दिन हमें रसवाना करना यकीनन तो वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अहले ईमान की यह दुआ कबूल फी कबूल फ़रमाई हमें भी ये दुआ इसका अहतमाम करना चाहिए अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया फस तजा बला हम रब हम अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फ़रमाया अन नीलाउदी वामिल मिन को मन जक तुम में से कोई मर्द कोई औरत जो भी नेक अमल करेगा अल्लाह उसके अमल को ज़ाया नहीं करेगा अल्लाह त यहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो महफूज है और अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला क़यामत के दिन तुम्हें अता फरमाएंगे इसके बाद अगली आयत जो है अगली सूरत जो है वो सूरा निसा है अरबी में ख़वातीन के लिए बोला जाता है ख़वातीन के मजमू के लिए निसा का लफ्ज़ है और ये सूरत इस वजह से निसा इसका नाम है कि इसमें वलमोह सनात मीन नाँचवें पारी की पहली आयत में यह लफ्ज़ आएगा और इस सूरत में बहुत से अहकाम जो खुतिन से मुतल है मर्द औरत का जो ताल्लुक है मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है उस हवाले से हिदायत और दूसरी बात ये कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्लिम माशरे की मजबूती उसके इसकाम के लिए हिदायत दी है और मुस्लिम माशरा उस वक़्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि मुस्लिम औरत मजबूत नहीं है जब तक मुस्लिम औरत को उसके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे उस वक़्त तक मुस्लिम माशरा मजबूत नहीं हो सकता तो अल्लाह ने इस सूरत की इब्तदा और इस सूरत का जो नाम है वो भी नि़ाम वतन फरमाया और अहकाम भी इसके अंदर और बहुत खूबसूरत आयात हैं जो अल्लाह ने इस इस सूरत के अंदर हमें और बहुत अहम हिदायत हैं जो हमारे माशरे को हमारे घर को खूबसूरत बना सकती हैं अल्लाह ने बहुत अहम हिदायत फरमाई कि वुरुबिल्माफ अगर तुम शादी शुदा हो और तुम अपनी जोजा के साथ रहते हो तो फिर तुम्हें उनके साथ भलाई का मामला करना चाहिए मारूफ का मामला करना चाहिए किसी किस्म की ज्यादती और म इससे रवानी रखना चाहिए जहाँ भी मर्द और औरत का ताल्लुक़ है वैसे तो आजकल ये भी कहते हैं कि मर्द बेचारा मजलूम हो गया है और औरतें जुलम करती हैं लेकिन बहरहाल मर्दों के माशरे में औरत बेचारी मजलूम होती है और बहुत से हवालों से औरत पीसी हुई होती है औरत जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर कमज़ोर है तो वो मर्द जो ताकतवर होता है और जिसके पास वसाइल होते हैं जिसके पास कुवत होती है वो बहुत से हवालों से औरत को दबा लेता है तो अल्लाह ताला ने इन इस सूरत के अंदर मरकजी तौर पर मुस्लिम माशरे की मजबूती ये इसका मरकजी मजमून है और इसके अंदर बतौर ख़ास औरत के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर बात आएगी ये मदीना मुनवरा के अंदर नाजिल होने वाली सूरत है और इसका ज़माना नज़ुल तकरीबन तीन सालों पर मुहित है यानी इसकी कुछ आयात तीन हिजरी गजवाए के बाद नाजिल हुई और फिर इसकी कुछ आयात जो है वो चार हिजरी में आगे बेर मोना का वाक्य आएगा और इसी तरह इसकी कुछ आयात पांच हिजरी के अंदर नाजिल हुई और फिर जो छः हिजरी में हुआ उससे मुतसर कुछ आयात हैं तो ये तकरीबन तीन हिजरी से छह हिजरी मुख्तलिफ किस्म के मजामी जो है इस सूरत के अंदर आएंगे इससे पहले की जो सूरत है दो इसमें अल्लाह त मकदूब और दाल का तफसील से जिक्र किया और उम्मत मुसलिमा को उसकी जिम्मेदारी और उसकी सिफात बताई अब इस सूरत के अंदर अल्लाह त उस उम्मत मुस्लिम का जो माशरा है जो सोसाइटी है उसकी मजबूती और इस्तेकाम के लिए हिदायत दी है। तो इस तरह से एक खूबसूरत रबत है जो सूरतों में कायम है इसके जो मजामी हैं उसमें जैसा कि मैंने कहा कि मजबूत इज्तमाइय का क़्याम यह इसका मरकजी मजमून है और उसमें इस्लामी रियासत और माशरे के जो ख़द हैं उसकी जो जो उसके पहलू हैं उसके ऊपर अल्लाह सूरत में गुफ्तू की है फिर अहल किताब को इस्लाम की दावत दी है यह हुदो नसारा का जिक्र आएगा इस सूरत में फिर से और अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को वाज अंदाज़ में तम की है और उन्हें कहा है कि अगर अपने रवैयों से मारोगे अखलास के साथ इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम भी काफिरों के साथ होगा अगर हम इसको दूसरे अंदाज में समझना चाहें तो सूर्य निसा का जो इब्तदाई है पहली तेईस आया जिस पर आज हम बात करेंगे उसमें अल्लाह ताला ने हसन माशरत के हकाम बयान किए हैं एक अच्छी सोसाइटी के अकाम बयान फरमाए हैं और पहली जो बुनियादी बात इंसान को समझाई है कि तमाम इंसान जो है वो आदम की औलाद है इंसानों के बाप सब इंसानों के बाप व आदमी सलाम है फिर अल्लाह ने शादी जो एक दूसरे से रिश्ता होता है उसे रिश्तों की मजबूती का जरिए करार दिया है और अरहाम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सिला रहमी हम कहते हैं ये अल्लाह ने जो रिश्ते मुकर किए हैं और शादी के ज़रिए से जो रिश्तों के अंदर इजाफा होता है कोई बीवी बनती है कोई शोहर बनता है कोई बेटा बनता है कोई बेटी बनती है कोई माँ है कोई बाप है और फिर नाना खाला पुपी मामू चचा ये सारे जितने रिश्ते हैं अल्लाह ने फरमाया कि इन रिश्तों का लिहाज रखो फिर अल्लाह ने यतीमों के हक़ तफसील के साथ इन इब्तदाई आयात में बयान फरमाए वरासत के बारे में कुछ आयात नाजिल हुई तोबा के हवाले से अल्लाह ने बात की कि तोबा की कबूलीत जो है ये तब होती है जब उसकी शराइ का एहतमाम किया जाए तो तौबा की शराइ में पहली बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान को अपने गुनाह के ऊपर अपनी गलती के ऊपर नदामत हो शर्मिंदगी हो अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से अपने आप को पेश करे कि अल्लाह मुझसे गलती हुई है और दूसरी शर्त यह है कि इंसान फौर अपनी तौबा, अपने गुनाह के ऊपर तोबा करे अल्लाह फरमाते हैं कि तोबा उसकी कबूल होती है जो फौरन पलटता है ये नहीं कि आज आपने गुनाह किया है और फिर दूसरा गुनाह किया है और तीसरा गुनाह किया है और सोचा यह हुआ है कि जब दाढ़ी सफेद होगी तब मैं अल्लाह से तोबा करूंगा यह तोबा नहीं होती अल्लाह ने फरमाए नीब फैतूब के जो नादानी की वजह से शैतान की तरफ से बहकावे की वजह से और अल्लाह की अहकाम से गफलत की वजह से गुना करते हैं तो जब याद आ जाए की गलती हुई और पलट आते हैं उनकी तोबा को कबूल फरमा लेता है तो ये तोबा की चंद आदाब और शरात आएंगी उसके बाद महर की जो मकदार है इस हवाले से कुछ आयात है महर के बारे में बहुत मुख्तलिफाज इस सूरत में अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए और जो रिश्ते जिनके साथ शादी इंसान नहीं कर सकता जिन्हें हम महरम रिश्ते कहते हैं उनके बारे में इस सूरत इस पारे की आखिरी आयत तो अगर हम पहली जो आयत है उस उस पर थोड़ी सी गुफ्तु कर ले कि अल्लाह तला ने हज़रत आदम सलाम को अबुलब बनाया ये सारे इंसानों के बाप हैं अल्लाह ने कुरान में फरमायाबी खलादा ए इंसानों अपने उस रब का तखवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया एक नफ़्स से एक जान से अल्लाह ने हज़रत आदम को अपने कलमे कुन से पैदा फरमाया मट्टी से पैदा फ़रमाया खला कहू मिन तुराब सक फिर अल्लाह ते फ़रमाया कन फ़याकून तो वह खड़ा हो गया तो उसके बाद अल्लाह ने जितने इंसान पैदा किए वह हज़रत आदम से पैदा फरमाए हती के वाला का मिन हा जहा अल्लाह ने हजरत आदम की जो जोजा है यानी हजरत होवा उनको भी हजरत आदम से पैदा फरमाया और इसकी जो कैफियत है ये एक हदीस के अंदर बयान हुई है कि हजरत होवा जो थी हजरत आदम की पसली से पैदा हुई थी लेकिन अब ये हकीकी माने के अंदर या तशबीही माने के अंदर क्या इससे मुराद है और कैसे ये हुआ था इसकी कोई वजाहत कुरान और हदीस के अंदर नहीं है इसके आदम के पहलू से पैदा हुई आदम की पत्नी से पैदा हुई तो इसके अंदर कोई औरत की तनखीस नहीं है बल्कि अल्लाह ने इस औरत की इत के बताया है रसूल ने अपनी हदीस के अंदर बताया है कि वो आदम से पैदा हुई थी और उसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया कि दूसरे का मिया और बीबी बनाया और बस समिन कसीरा और फिर अल्लाह ने बहुत से रिजाल यानी मर्द वन इजहा औरतें इनसे पैदा की इन दोनों से इन दोनों की आपस में शादी का रिश्ता हुआ और फिर अल्लाह तक औला फरमाई और दुनिया में जितने इंसान आए फिर वो इन दोनों इंसानों से आए तो असल अबुल बशर जो हैं यानी तमाम इंसानों के बाप वो आदम सलाम है और यही बात अल्लाह के रसूल सलम ने आखिरी खुद में मरशाद फरमाई थी कि नाबाकुम वाहिद तुम सब का बाप वो आदम सलाम है व आदम उमतरा और आदम मट्टी से पैदा किए गए थे तो अगर इंसानियत किसी एक नुकते पर इकट्ठी हो सकती है तो वो नुक़ा यही है कि वो सब एक बाप यानी आदम की औलाद है

तो अब इस बच इसकी हिफाजत करना यह उस यतीम के सरपरस की जिम्मेदारी है और यह बतौर अमानत करेगा और अल्लाह ने फरमाया कि अपनी किसी नाकिस चीज को अपने किसी रद्दी माल को उसके अच्छे माल के साथ तब्दील मत करो अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है ज़ाहरी तौर पर दुनिया वालों से अपने आप को छुपा के कर लो उस यतीम को भी ना पता चले किसी और को भी पता ना चले लेकिन जान लो इन अल्लाह कानक रखीबा अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर निगरानी मुकर्र कर रखी है वो देख रहा है कि तुम क्या करते हो इसलिए यतीम के माल की जो इमानत है वो हिफाजत अमानत की तरह करनी है फिर अल्लाह ने फरमाया कि यतीम के माल की जो हिफाजत है इसके पेश नज़र अगर तुम्हें उसकी माँ से शादी करनी हो तो तुम शादी कर सकते हो ये तुम्हारी अगर दूसरी शादी है या वो लड़की जो खुद यतीम है उसके साथ तुम शादी करना चाहते हो कि उसके माल की हिफाजत भी हो जाए और वो तुम्हारी जब बीवी बन जाएगी तो उसका माल तुम्हारा माल होगा तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम बतौर यानी शादी हवाले से सोचते हो तो फिर तुम दूसरी शादी और तीसरी शादी और चौथी ने मुकर हवाले से कि उस माशरे के अंदर शादियों की कोई हद मुकर नहीं थी एक इंसान के निकाह के अंदर सौ सौ बीवियां होती थी तो अल्लाह ने उसकी भी हदबंदी की और दूसरा अल्लाह ते बताया कि जब जरूरत हो तो वहां पर उस जरूरत के पेश नजर इंसान दूसरी तीसरी और मैक्मम चार शादियां कर सकता है और फिर अल्लाह तवाले से हिदायत ये नाजिल फरमाई कि अगर एक से ज्यादा शादियां करनी है दो बीवियां रखनी है तो फिर तुम्हें अदल की शर्त जो है उसको अपनाना है अदल अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ने कहा कि एक ही काफ़ी है तो पहली बात तो इस हवाले से यह समझने की है हमारे यहाँ अमूमन मर्द कहते हैं कि जी इस्लाम ने चार शादियों की इजाज़त दी है इस्लाम ने बिल्कुल चार शादियों की इजाजत दी है इससे कोई इनकार नहीं है लेकिन पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने उसको ज़रूरत के साथ वजह अगर कोई इंसान दूसरी शादी करेगा तो वो गलत करेगा जरूरत और ज़रूरत इंसान की जती भी हो सकती है माशरती जरूरत हो सकती है मुल की ज़रूरत हो सकती है और ख़ास तौर पर अगर आप बहद के हालात को जहन के अंदर रखें सत्तर साहबा शहीद हुए हैं अब उनकी जो बेवाएँ हैं जो खुतिन अकेली रह गई हैं अगर दूसरे लोग उनके साथ शादी नहीं करेंगे और ज़ाहरी बात है बाकी अफराद ऑलरेडी शादी शुदा हैं तो उनको अपने निकाह के अंदर नहीं लेंगे तो ये ये औरतें बेवाई बे, बेवगी की ज़िंदगी जो है वो सारी जिंदगी बसर करेंगी तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिस माशरे में इसकी जरूरत हो वहाँ पे ये कदम उठाया जा सकता है और एक और बात यहां पर यह समझने की है कि अगर कोई इंसान ये कदम उठाता है तो फिर वो सिर्फ ये नहीं कि कोई औरत मजबूर है उसकी मजबूरी को ख़त्म करने के लिए चाहे वो उसके हकूक का इस्तेसाल करे यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई यतीम औरतम बच्ची है जिसके साथ वो शादी कर रहा है तो अब यह इस वजह से कि वह यतीम है उसको हकूक नहीं देगा बस उसके साथ अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरा करेगा अल्लाह ने इससे मना फरमाया है बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि बतौरे बीवी जो भी तुम्हारे निकाह अक्त के अंदर आएगी तुम्हारे निकाह में आएगी तुम्हारे अक्त में आएगी उसको पूरे हकूक दो महर भी उसका अदा करो बात हिन्न नहींला औरतों तो को उनके हकूक अदा करो और महर जितना भी तुम दे सकते हो दो माहर की कोई अल्लाह ने मुक्री फरमाई बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने किसी को ढेरों ढेर महार दिया हो तुमसे वापस नहीं ले सकते यह उसका हक है जो तुमने उसको देना है तो एक बात तो ये दूसरी बात यह है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं खासतौर पे हम यूरोपियन मुल्क के अंदर रहते हैं अगर इस मुल्क के कानून के अंदर दो शादियों की इजाज़त नहीं है और आपकी कोई ज़रूरत है जिस वजह से आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसका इसका फिर हल जो है वो आपको इस तरीके से निकालना है कि आप अगर ऐसी जगह पर शादी करें जहाँ पे दो शादियों की इजाज़त है तो इस चीज़ को जो है यहाँ का कानून भी तस्लीम करता है लेकिन इस तरह शादी करना कि आप पहली बीवी को छोड़ दें उसके साथ बेवफाई करें जिसको कुरान ने फरमाया कि फतः जरूा कलम का आप उसे लटका हुआ छोड़ दें कि वो आपके निकाह में भी है और आप उसको टाइम ही नहीं देते आप उसके साथ मोहब्बत से पेश ही नहीं आते आप उसके हकूक़ और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर इसकी इजाज़त नहीं है ये म है और ओला पसंद नहीं करते इसलिए अगर ये मामला करना है तो फिर अदल जो है वह बहुत ज़रूरी है इसके बाद अल्लाह ताली ने यतीम के बाल होने पर माल उसके हवाले करने का हुक्म फरमाया कि तुम जब यतीम बालग हो जाए और तुम उसमें देखो कि उसमें अक़ल और समझ बूझ है तो फिर तुम उसका माल जो है वो उसको वापस कर सकते हो ताकि वो अपनी ज़रूरत और अपनी समझ और अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक जहाँ पे उसे इस्तेमाल करना चाहे और आखिर में अल्लाह ने यह हिदायत अर्षात फरमाई कि यतीम के माल को मत खाओ अगर यतीम के माल को खाओगे तो ये जहन्नम की आग है जो अपने पेट के अंदर भर रहे हो इसलिए यतीम के माल को हड़प मत करो यतीम के माल को अपने माल के साथ मिक्स मत करो इसके बाद आगे अल्लाह तरासत के अहकाम बयान फरमाए हैं वरासत के जो हकाम है इसे शरीयत के अंदर जो है वो अलग से फराइज का नाम दिया गया है ये फ़राइज का इल्म है और ये बहुत ही कम्पलिकेट इल्म है बल्कि बहुत कम अफराद होते हैं जो हकीकी मानों में इसके मुकम्मल इल्म के माहिर होते हैं अल्लाह के रसूल से वसम ने ताकीद की अपने साहबा को कि यह इलम सीखोलफराइज़ जो है वो सीखो और साहबा में बाज़ ऐसे थे जिसमें एक्सपर्ट थे तो जिस भी पहली बात तो यह है कि जो हिस्से अल्लाह ने मुकर किए हैं वो तब्दील नहीं हो सकते वो हिस्से मुकर हैं हाँ उनकी तकसीम कैसे होगी इसकी तफ़ीम के लिए हर एक आदमी हर एक केस की अलग कंडीशन है हर एक अलग अलग अपनी हैसियत रखता है किसी कोई फौत होता है तो उसके माँ बाप जिंदा होते हैं औलाद नहीं होती किसी की औलाद होती है माँ बाप नहीं होते किसी के ना माँ बाप होते हैं ना औलाद होती है सिर्फ बीवी होती है और कोई ऐसा होता है कि जिसकी ना बीवी है ना माँ बाप <ते> है ना औलाद है भाई ना बह बहन भाई हैं और कोई ऐसा है कि जिसके बहन भाई भी नहीं है तो हर एक की कैफियत मुख्तफ है तो जिसकी जो कैफियत है इसी तरह उसके वारसों के हिस्से मुकर होंगे तो यहाँ पे चंद मोटी मोटी बातें जो कुरान ने इन दो आयात के अंदर जो दो अहम उसूल बयान फरमाए हैं उसमें अल्लाह बाप का और माँ का हिस्सा बताया है शोहर का और बीवी का बेटे और बेटी का ये छः रिश्ते हैं जिनके हिस्से अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए तो ये हम इख्तसार के साथ आपके सामने पेश कर देते हैं वगरना हर फर्द का जो यासियत में जो भी वारिस बन रहा है उसको अपना केस जो है वो किसी आलिम के साथ जो इस इल्म का माहिर है उससे डिस्कस करके पूछना चाहिए तो पहले अल्लाह ने फरमाया कि माँ और बाप दोनों का छठा हिस्सा है अगर उनके यहां जो है वो औलाद हो तो अगर औलाद हो तो बाप का छठा हिस्सा और इसी तरह माँ का छठा हिस्सा और अगर औलाद न हो तो माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा और दो हिस्से जो हैं वो बाप को मिल जाएंगे अगर मिया बीवी की यानी वो यानी शोहर फोत हुआ है और बीवी मौजूद है तो बीवी को मिलने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें दो हिस्से बाप के और एक हिस्से माँ को चला जाएगा और अगर बीवी भी नहीं है तो फिर दो हिस्से बाप के और एक हिस्सा माँ का हो जाएगा तो ये माँ बाप के हिस्सों के हवाले से थोड़ी सी तफसील अच्छा उसके बाद अगर शोहर फोत हो बीवी फोत हो तो शोहर का क्या हिस्सा है इसकी दो कंडीशन है कि औलाद है औलाद नहीं है अगर औलाद नहीं है तो फिर उसको आधा बीवी का आधा तरका जो है वो मिलेगा जितना बीवी ने माल छोड़ा है उसका आधा जो है वो शोहर को मिलेगा और अगर औलाद है तो शोहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा इसी तरह बीवी अगर बीवी बच जाए यानी शोर फोत हो तो बीवी अगर औलाद ना हो तो उसको चौथाई हिस्सा मिलेगा वन फोर्थ और अगर औलाद हो तो फिर बीवी को वन एट्थ मिलेगा उसका आठवां हिस्सा इसके बाद बेटे और बेटियों का हिस्सा अगर सिर्फ एक ही बेटी है तो उसे आधा माल मिल जाएगा यानी उसका वालिद फोत हुआ और सिर्फ बेटी है उसका कोई भाई नहीं है साथ तो वो आधे हिस्से की मालिक है माँ बाप को उनका हिस्सा उसके बाद मिलेगा अगर दो बेटियां हैं तो दो बेटियों या इससे ज्यादा यानी दो या इससे ज़्यादा बेटियां हैं तो इनको टू आ, टू थर्ड जो है यानी दो हिस्से पूरी वरासत के वो इनको मिलेंगे यानी तीन मिलियन है तो तीन मिलियन में से दो मिलियन दो या इससे जायद बहनों का हो जाएगा और बाकी बाकी वारसों का और अगर एक भाई भी साथ मौजूद है तो फिर भाई को बहनों से दो गुना हिस्सा मिलेगा अब ये जो पॉइंट है एक इसके ऊपर आके बाज लोग यानी वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर किसी जगह बेटियां ही हों तो अल्लाह ने बेटियों को आधे माल का मालिक बना दिया है या दो तो हाई माल का मालिक बना दिया है हाँ इस पर एतराज करते हैं कि जी बेटी को बेटे से आधा मिलता है तो इसमें फिर बहुत सी दीगर बहुत से पहलू आ जाते हैं देखिए बेटी बेटी होने की वजह से हिस्सेदार बनती है इसी तरह किसी की बीवी होने की वजह से भी विरासत की हिस्सेदार बनती है और किसी की माँ होने की वजह से भी हिस्सेदार बनती है ये तो एक बात है दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने शरीत इस्लामिया के अंदर किसी किस्म की माली जिम्मेदारी औरत की नहीं की है औरत किसी किस्म की माली ए, किसी चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है वो शोहर की जिम्मेदारी है कि वो माली ज़रूरतों को पूरा करे हती कि बीवी का जो लिबास है बीवी के जो खाना है बीवी जिस घर में रहती है उसका जो कराया है अगर बीवी तालीम हासिल करती है उसकी तालीम का जो खर्चा है अगर बीवी के लिए कुछ सवारी का इंतजाम करना है उस सवारी का जो खर्चा है ये सारे अखराजा मर्द ने उठाने उसकी ज़िम्मेदारी है मर्द ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरतों को पूरा करे। तो इसलिए जो माशी ज़िम्मेदारी है उसका बोझ क्योंकि मर्द पे डाला गया है इसलिए अगर किसी जगह बहन और भाई दो हो, तो माशी जिम्मेदारी की वजह से बेटे को जो है वो ज़्यादा हिस्सा मिलता है औरत को सिर्फ इस वजह से कि वो औरत है उसकी कोई तनखीस नहीं है अगर आप पूरी इस सूरत का मुता करें और जो बातें कल के दर्ज के अंदर भी आएँगी तो उसमें हम ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अल्लाह तालत को कितना हक़ दिया है औरत की कितनी हिफाजत की है इसके बाद अल्लाह ताला ने महर के हवाले से चंद हिदायात कहीं और वो जो आयत मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी थी कि अल्लाह ने फरमाया व आशिर हन्ना बिल्माूफ इनके साथ आरूफ तरीके से पेश आओ और इनकी इज्जत और इनका इक्राम करो इनके साथ ज़्यादती मत करो हुजूर ने एक हदीस में बल्कि जो आपकी आखिरी अदीस है ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के अंदर आपने कहीं उनमें हज़ू ने अम्मत को एक ताक़द की थी कहते तो मैं औरतों के बारे में नसीहत करता हूँ इनका इनका ख्याल रखना इनके साथ ज़्यादीती मत करना औरत कमज़ोर है औरत उसको दबाया जा सकता है उसको मारा पीटा जाता है तो अल्लाह के सलम ने फरमाया कि मामला उसके साथ मत करना इस पूरी आ, पूरे पारे के जो आखिरी आयत है इसे हम इसके अंदर अल्लाह ताला ने महरम रिश्तों का जिक्र किया है और महरम रिश्ते वो हैं कि जिनके साथ इंसान जो है वो निकाह नहीं कर सकता और इसी तरह महरम रिश्तों के अंदर जो पर्दे के हकाम है एक अलग मौजू है जो आगे परदे के अकाम में आएगा तो महरम रिश्ते एक अलग कैटेगरी है रिश्तों के अंदर उस हवाले से अल्लाह ताला ने यह हिदायत दी है कि इंसान उन जिन रिश्तों से शादी नहीं कर सकता उनमें उमहा और माएँ जो हैं इनके अंदर नानियाँ भी और दादियाँ भी यानी माँ की कैटेगरी में नानी भी आ जाती है दादी भी आ जाती है तो मा, माँ माओं के साथ इंसान निकाह नहीं कर सकता बेटियों से इंसान निकाह नहीं कर सकता और इसी तरह पोती और नवासी वो भी बेटी के हुक्म के अंदर आती है उनके साथ निकाह नहीं कर सकता बहनों के साथ इंसान निकाह नहीं कर सकता सकी बहने हो या बाप शरीक, शरीक बहने हो या माँ शरीक बहने हो यानी अगर कोई बहन ऐसी है कि जिसमें माँ किसी शरीक नहीं है सिर्फ बाप दोनों का एक है माँ मुख्तलिफ है तो फिर भी आपस में निकाह नहीं होगा इसी तरह जो खलाएँ हैं फूफियाँ हैं इनके साथ निकाह नहीं हो सकता जो भांजियाँ और भतीजियाँ हैं यानी किसी इंसान के भाई की बेटी है या बहन की बेटी है भांजिया और भांजियाँ और भतीजियाँ उनसे निकाह नहीं हो सकता ये हैं, यानी जो नसब की वजह से रिश्ते हराम हुए हैं ये पहली एक किस्म है दूसरी किस्म है जो रजात की वजह से रिश्ते हराम हुए हैं तो उनमें रजाई माँ जिस औरत किसी इंसान ने पिया है उसी औरत का दूध अगर किसी और ने पिया है और ये औरत अगर उसकी हकीकी माँ नहीं है फिर भी यानी किसी ऐसी औरत से जो उसकी माँ नहीं है किसी ने दूध पिया हो तो उस औरत से निका नहीं हो सकता उसकी जो रजाई बहन है यानी किसी और लड़की ने उसी औरत से दूध पिया हो उससे भी निकाह नहीं हो सकता और इसी तरह जो रिश्ते नस्ब की वजह से हराम होते हैं वो रिश्ते रज़ात की वजह से भी हराम होते हैं जिनकी तफसील अभी हमने ऊपर पढ़ी और फिर जो ससुराली रिश्ते हैं उनमें सास से निकाह नहीं हो सकता और जो बीवी की बहन है उससे निकाह नहीं हो सकता यानी दो बहनें एक निकाह में जमा नहीं हो सकती हाँ अगर बीवी फोत हो जाए तो फिर उसकी बहन से निकाह हो सकता है बया वक्त दो बहनें एक निकाह में इकट्ठी नहीं हो सकती ये अल्लाह ने क्यों किया है अल्लाह ने ये रिश्ते इंसान के जो नसब है और जो इज्जत है और जो तकरीम है उसके पेश नज़र ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि जहाँ पे ये ये, ये रिश्ता हो वहाँ पे इंसान जो है फिर वो इन रिश्तों का ये महरम रिश्ते होंगे इनसे इंसान निकाह नहीं कर सकेगा इसीलिए इनसे निका के हवाले से रिश्ते डिवेलप करना ये ठीक नहीं है हाँ बाकी जो कज़न् या इसके अलावा दीगर रिश्ते हैं उन रिश्तों के साथ जो है वो इंसान निकाह कर सकता है तो ये आज के दर्स की अहम हिदायत या अहम मौजूद जो थे आज हमने इन पर बात की है कल इनशा हम सूरा निसाह का जो पाँचवें पारे का हिस्सा है पूरी पूरे पाँचवें पारे में सूर्य निसाह चलेगी उसके ऊपर इनशा हम बात करेंगे अल्लाह ताली हमको कुरने करीम को समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी ख़तः फरमाए वाखिर उदावाना रब्लमी Oh no